जो नॉर्मल जो वहाँ पे हमारी पेट्रोल पार्टीज जाती हैं उनको एक मशकूक हालत में ये दो गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद मिली, और जो पेट्रोल पार्टी थी इसको जो उसकी क्या कर रहे थे वो वहाँ पे जो हमारे SHO हैं वो कर रहे थे। और इस टीम ने जब इन गाड़ियों को मशकूक हालत में पाया तो उसके बाद इनकी चेकिंग हुई और वहाँ से जो ये है कॉन्ट्राबैंड जिसको हम अभी तक हीरोइन तक तस्वर कर रहे हैं और इसकी जो तस्दीक है वो फोरेंसिक लेबॉरेटरी से कराई जाएगी। इस की बरामदगी हुई वहाँ से और ये तकरीबन 9 किलो के करीब जो है जो कॉन्ट्राबैंड है वो वहाँ से रिकवर हुआ है। इसमें हमारे पास दो अरेस्ट पीस के साथ साथ हुई हैं और इनके पास जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि डील होने वाली ही थी और इसमें कुछ चेक्स का लेन देन भी होना था और उन चेकबुक्स को और उन चेक्स को जो काटे गए थे उनको भी सीज कर लिया गया है। इसके अलावा वहाँ पर जो बाकी एविडेंसेस हैं वो भी सीज कर ली गई हैं। जो गाड़ियाँ इस ऑफेंस में इन्वॉल्व थी कमीशन में उनको भी हमने सीज कर लिया है और इसके अलावा जो डिटेल है वो आपके साथ हम शेयर कर और भी कर लेंगे। इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसमें फ़िलहाल अभी जारी है। तफ्तीश के मरवा चलते चलते मुझे लगता है कि इसमें हमारे पास कुछ और जो लीड्स हैं, जैसे कि पहले कुछ केसेस में भी हमें बहुत सारी लीड्स मिली और उनके पेशरफ्त कई सारी ऐसी हमें सक्सेसेस मिली हैं जो वॉर ऑन ड्रग्स JKP का चल रहा है उसमें, और मुझे लगता है कि इसमें भी हमें ये जो अभी तक लिंक मिले हैं ये पॉइंट करता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक टेरर फंडिंग का जो एक एस्पेक्ट है वो मौजूद है और इस पर जो है हमारी फर्दर जो कार्रवाई है वो रवा है। फिलहाल कितने लोग अरेस्ट हुए हैं सर? फिलहाल अभी तक 2 लोग अरेस्ट हुए हैं। इनके नाम मैं आपको बताता चलूँ, मोहम्मद साबिर बरवाल ये कमलकोट जबड़ा उड़ी के हैं और परवेज अहमद तांत्रे जो कि रेबन रफियाबाद के हैं। ये कुछ पता चला ये कहाँ से आ रहे थे? जी देखिए, जहाँ तक हमारी अभी तक इन्वेस्टिगेशन सामने आई है कि ये जो हीरोइन है ये क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग का जो रिंग है उसका पार्ट है और ये बॉर्डर पार करा के ही ये कंसाइनमेंट यहाँ पहुँची है और उसके बाद यहाँ पर इसको आगे जो यहाँ के यूथ हैं और जो यहाँ के लोग हैं उनमें ये जो बीमारी है ये जो डिजीज़ है उसको फैलाने की पूरी कोशिश थी और इसमें से जो इलीगल मीन्स से